वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पेसन पे अपना अकाउंट बना सकते हो और अकाउंट बना के आप 90 कंट्री में आप अपने पैसा को सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल में मैं रसिया में हूँ, ये रसिया से शुरू करूँ और रसिया से ये एप्लीकेशन आप कहीं पे भी भेज सकते हो पैसा। यूरोप कंट्री में ज़्यादातर ये लोग यूज करते हैं। उसके पास अगर डेबिट कार्ड है तो उसको इस्तेमाल करके अकाउंट बना सकते हो और बाद में आप सेंड कर सकते हो कहीं पर भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ कैसे अकाउंट को बनाना है पेसेंट में। तो आपके पास तीन चीज़ होना चाहिए, एक तो डेबिट कार्ड एटीएम होना चाहिए, दूसरा मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में होगा रजिस्टर होगा वो मोबाइल नंबर चाहिए और तीसरा चीज़ आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए, तब आप बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे और दिखाता हूँ लाइव। देन उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है पेसेंट, लिखकर सर्च करेंगे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हो इंटरफेस मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में है, ठीक है, यानी बैंक अकाउंट में दिए होंगे और जो भी मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं जिस भी कंट्री में है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तीन ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लीगल नाम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका पासपोर्ट पर नेम होगा लीगल नेम वही डालेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं अपना फटाफट डालता हूँ। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे डालने के बाद, उसके बाद स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, उसके बाद सिटी। जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ का लोकेशन चाहिए होता है, लोकेशन यानी वहाँ का हाउस नंबर और दूसरा वहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट पोस्ट कोड। तो आप गूगल से जाके इसको निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आप मान के चले इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो तो आपको जिस भी मान के चले जिस भी गांव में रहते हो वहाँ का भी डाल सकते हो। इसमें ये नहीं है कि जिस लोकेशन पर हो उसी लोकेशन को डालना है, और नहीं तो जिस लोकेशन पर है उस लोकेशन का डालना चाहते हो तो गूगल से आप सर्च करके निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको लाइव करके डाल के दिखाता हूँ, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, मैं इसके लिए आपको बता दिया। चलिए मैं अपना फटाफट सारी चीज़ें डाल लेता हूँ। सो सारी चीज़ें मैं अपना डाल लिया, डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मेल आईडी डाल देंगे अपना, तो जो भी आपका मेल आईडी होगा डाल लेंगे। चलिए मैं अपना फटाफट डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर OTP आएगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ कहेगा, देख सकते हैं कोई कोड है तो डालिए जो कि इनवाइट कोड, तो आप जो भी है इनवाइट कोड डालेंगे, नहीं तो यहाँ नॉट नाउ कर देंगे, होगा तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे कोड होगा तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे देख सकते नॉट नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हो सेंड मनी रिक्वेस्ट, जिसको भी चाहे आप सेंड कर सकते हो यहाँ, तो 90 कंट्री में आप चाहे तो पैसा भेज सकते हो जहाँ भी चाहे वहाँ पे। और भी नीचे यहाँ पे दिया गया है, चाहे तो इसके बारे में और भी रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर, यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फो देख सकते हो, लिंक कर सकते हो कार्ड, और भी यहाँ सेटिंग में जाकर सेटिंग कर सकते हो, जो भी आपका डिटेल यहाँ शो हो जाएगा। चाहे तो इस पर फ़ोटो भी लगा सकते हो, लगाना चाहते हो तो। तो चलिए मैं आपको अभी कार्ड ऐड करके दिखाता हूँ। तो कार्ड ऐड करने के लिए लिंक कार्ड पर क्लिक करेंगे और अपना कार्ड जो भी आपका कार्ड है वो यहाँ पर न्यू ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और एक्सपायरी, तो मैं चलिए अपना फटाफट डाल लेता हूँ। डालने के बाद देख सकते हो कार्ड ऑटोमेटिक वो बैंक जो है नेम आ जाएगा कौन सा बैंक है। डालने के बाद यहाँ देख सकते हो ऐड कार्ड पर क्लिक कर देंगे, कार्ड एडेड हो चुका है। सो इस तरह से करके लिंक कर सकते हो। उसके बाद और भी कार्ड यहाँ चाहे तो ऐड कार्ड एड न्यू कार्ड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो एक से ज़्यादा। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद उसके बाद यहाँ देख सकते हो सेटिंग में जाके आप चाहे तो सिक्योरिटी में जाके आप यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड मेरा सेट हो गया, बाद में जब भी एक्सेस करना होगा इसी से होगा, तो ये आपको सेट कर लेना है। सो ऐसे करके आप अकाउंट बना सकते हो और बाद में पैसा आप सेंड कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी 90 कंट्री में अवेलेबल है। सो ऐसे करके कर सकते हो।